आगे बढ़े, आपको बताएं गूगल अदायगियों का मामला है। वजारत खजाना और वजारत आईटी का दावा धरा का धरा रह गया। गूगल ने करियर पैड ऐप्स पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी हैं। गूगल प्ले स्टोर पर क्रेडिट कार्ड से अदायगियों वाली ऐप्स मौजूद हैं। मोबाइल ऑपरेटर से अदायगियों वाली एप्लीकेशन बंद कर दी गई। गूगल को ताहाल वजारत आईटी और वजारत खजाना के फैसले से आगाह नहीं किया जा सका, जराए ऐसा बता रहे हैं। गूगल ने 1 दिसंबर को पाकिस्तान में करियर पैड एप्लीकेशन बंद करने की तनबीह भी की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। गूगल अदायगियों का ये मामला है। वजारत खजाना और वजारत आईटी का दावा धरा का धरा रह गया है। गूगल ने करियर पैड ऐप्स पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि गूगल प्ले स्टोर पर क्रेडिट कार्ड से अदायगियों वाली ऐप्स मौजूद हैं। मोबाइल ऑपरेटर से अदायगियों वाली एप्लीकेशन बंद कर दी गई हैं। गूगल को ताहाल वजारत आईटी और वजारत खजाना के फैसले से आगाह नहीं किया जा सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा इस मामले से मुतालिक। जी बिल्कुल, वजारत खजाना और वजारत आईटी ने दावा किया था कि गूगल की अदायगियों के हवाले से जो मुअत्तल की जाना था प्ले ग्रुप गूगल प्ले स्टोर जो है वो अब जो है वो गूगल की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें पेड कैरियर पेड जो एप्लीकेशंस हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। और दूसरी जानिब जराए ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर क्रेडिट कार्ड से अदायगियों वाली एप्लीकेशंस मौजूद हैं, जबकि मोबाइल ऐप ऑपरेटर से अदायगियों वाली एप्लीकेशंस बंद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब जराए का ये कहना है कि गूगल को ताहाल वजारत आईटी और वजारत खजाना के फैसले से आगाह नहीं किया जा सका और गूगल ने 1 दिसंबर को पाकिस्तान में कैरियर जो पेड एप्लीकेशंस थी बंद करने की तंबीह की थी और अब जो है वो 1 दिसंबर के बाद स्टेट बैंक ने ताहाल जो है वो अदायगियां नहीं की और गूगल प्ले स्टोर जज्वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जावेद अपडेट करने के लिए।